गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे वंस अगेन वी विल बी डूइंग अबाउट कैपेसिटर. नाउ व्हाट वी आर डूइंग अबाउट कैपेसिटर, आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. देखो कैपेसिटर बहुत टाइप के होते हैं, ठीक हो गया. उनमें से एक कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट. मैं इसका काफ़ी सारे टाइप के कैपेसिटर आपको बताऊंगा जो प्रैक्टिकली हमारे यूज़ होते हैं, लेकिन अभी नहीं. अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अभी जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में एक प्लेट होती है आपकी पॉजिटिव और एक प्लेट होती है आपकी नेगेटिव होती है. तो जब ये दो प्लेट हो जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर. अच्छा, होता क्या है, हम इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं. ये पॉजिटिव हो जाता है, इसके अंदर इंडक्शन हो जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं. वो सिंगल प्लेट करके अर्थिंग के लिए ठीक था, लेकिन अभी जब पैरेलल प्लेट या कैपेसिटर आप सर्किट में लगाओगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपका आएगा. नाउ इसका मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, उतनी इसमें भी आएगी. इसकी कितनी हो जाएगी? माइनस सिग्मा. दो प्लेट के बीच में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. दो मेटल प्लेट के बीच में अगर एक में प्लस सिग्मा एक में माइनस सिग्मा, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. लास्ट एप्लीकेशन गॉसेस लॉ, इधर जीरो और बीच में इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट करा था, और मैंने बोला था ये काम आएगा कैपेसिटर. नाउ अगर मुझे पता है कि दो प्लेट के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो मुझे ये बताओ हमें निकालना क्या है? कैपेसिटेंस. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, आप लोग को दिख रहा है? इज इट विजिबल? हाँ दिख रहा है. हमें निकालना है कैपेसिटेंस, हमें यही निकालना होता है हमेशा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सिलेंड्रिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, है ना? तो उनमें से एक पहला लिया हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इन प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगी D. अगर इनके बीच में अभी जो सिचुएशन है, इनके बीच में फ्री स्पेस है, इसीलिए हमने क्या ले रखा है? एप्सिलॉन नॉट. वैसे जनरली हम लोग मीडियम भी डालते हैं, डायलेक्ट्रिक भी डालते हैं, लेकिन अभी ये इस प्लेट का या इस प्लेट का, दोनों प्लेट एक सी हैं, इनका एरिया कितना है? तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एरिया ए है, उनके बीच की डिस्टेंस डी है, जो हमने बैटरी लगाई है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई. ठीक हो गया? या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी. कैसे भी आप बोलो, बात बराबर है. नाउ हमें निकालना है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सी. तो हमारे पास सी निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू सी. ठीक हो गया? इन मेटल प्लेट को हमने चार्ज करा है प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब अंदर की तरफ से यह है प्लस क्यू माइनस क्यू. क्यू इज इक्वल टू कितना है? सी जी. ओके, नाउ अगर क्यू इज इक्वल टू सी वी है, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया? Q अपॉन वी. ओके, ये आ गया. लेकिन हमें इन प्लेट के बीच में V तो पता ही नहीं है, लेकिन क्या पता है? E. हमने एक रिलेशन देखा था, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, देखा था. लेकिन अगर ये डिस्टेंस छोटी हो, ये डिस्टेंस d हो, और इसमें जो पोटेंशियल हो वो V हो, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू V बाई डी. डिस्टेंस के लिए d, पोटेंशियल के लिए V, ये वही तो है. माइनस साइन तो सिर्फ आपको बता रहा है अपोजिट है, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है. तो V इक्वल टू कितना आ गया? ED. क्यों? अननोन C है, तो C के लिए Q, Q को तो Q लिखेंगे, तो V को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जो हमें पता है. तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन ED. ओके, नाउ और हमने माना है कि इसके बीच में फ्री स्पेस है, याद रखना अभी, हाँ फ्री स्पेस है, बाद में भूल जाओगे. नाउ E की वैल्यू दो प्लेट के बीच में कितनी होती है? हियर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा कितना होता है? Q बाय A. इज इक्वल टू क्यू, एरिया प्लेट का. वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पे E की, ये इस वैल्यू में प्लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन E की जगह वैल्यू पुट कर दो, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट और D. Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट जंप मार के ऊपर आ जाएगा, मारी इसने जंप, आया ऊपर, तो कितना आ गया? ये आया. तो C इज इक्वल टू कितना आ गया? ए एफ एल ए नॉट अपॉन डी. फिर रिपीट कर रहे हैं, क्या क्या हमें चाहिए? प्लेट की कैपेसिटी कितनी है, कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, वो उसके हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं. इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ही फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू सी वी. बस इसका पीछा करते जाओ, Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी. क्यू तो चार्ज है, क्यू जितना आपने प्लेट में डाला है, तो वी क्या हो गया? पोटेंशियल. तो हमें ये निकालना है. तो V निकालने के लिए कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि प्लेट के बीच में हमें सिर्फ E पता रहता है. तो हमने फॉर्मूला निकाला V इक्वल टू ED, याद रखिएगा, बार बार काम आएगा. ED कितना है दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट.
सिग्मा कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए, किसका एरिया, प्लेट का एरिया हमने वहाँ रख दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू आई, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, तो ये आ गया सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। नाउ अगर अब मैं ये कहूँ कि ये दो प्लेट जो थी, एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी, इनके बीच में मैंने डायलैक्ट्रिक पूरा फिल कर दिया, ठीक है, डायलैक्ट्रिक डाल दिया है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। डायलैक्ट्रिक क्या होता है, डायलैक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, डायलैक्ट्रिक मटेरियल होता है इंसुलेटर, इसे डायलैक्ट्रिक क्यों बोलते हैं, इसके दो टाइप के बिहेवियर होते हैं, नॉर्मली ये इंसुलेटर ही रहता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो यही है, बट एट हायर इलेक्ट्रिक फील्ड सो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट हायर इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट एट हायर इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो ये हो गया, ये कैसे, देखो जब ये डायलैक्ट्रिक को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो बहुत हायर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में अगर मैं लगा देता हूँ तो इसके बॉर्डर पे यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, वो तब भी कंडक्ट नहीं कर पाता, लेकिन अभी भी अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया ना, अब कुछ इफेक्ट तो ये दिखा रहा है ना, तो इसके लिए हम कहेंगे कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ये शो कर रहा है लेकिन अभी भी कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो ये दोनों टाइप के बिहेवियर दिखाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। तो ये तो हमारा हो गया डाइलेक्ट्रिक। अब सपोज मैंने इसके बीच में डायलैक्ट्रिक डाला है जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है के, तो बड़ा आसान है, पूरा एक्सप्रेशन सेम रहेगा, पहले ये एक्सप्रेशन नोट कर लेना, ये फ्री स्पेस पे है, फ्री स्पेस के लिए था, बिटवीन प्लेट, ये पूरा नोट कर लीजिएगा। अब हम इसमें डायलैक्ट्रिक डाल देते हैं, डायलैक्ट्रिक क्या बिटवीन प्लेट, क्या डिफरेंस आ जाएगा ये देखना, सेम रहेगा, Q इक्वल टू ये इतना, बस E इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना आ गया, ए एप्सिलॉन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतना, तो अब हम इसे सी एम कह देते हैं, पहले वाला जो आया था सी नॉट कह देते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और अब हम सी एम बोल देते हैं क्योंकि मीडियम है, तो सी एम कितना आ गया, ए एप्सिलॉन बाई डी। और आपको ये भी याद होना चाहिए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के और एप्सिलॉन आर, तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई, के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पूरा भर दिया था हमने डायलैक्ट्रिक से, वैल्यू पुट कर दो, तो सी एम कितना आ गया, ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के पहले लिख दिया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी लिख सकते हैं, लेकिन ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी तो तब था जब फ्री स्पेस का कैपेसिटेंस था, यानी कि जो मीडियम का कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स हो गया किसका, फ्री स्पेस, ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी की जगह हमने सी नॉट रखा, तो हमें पता चल गया कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन वी फिल डायलैक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स इज इक्वल टू के टाइम्स व्हाट सी नॉट, तो जो आपका फ्री स्पेस है उसका कितना टाइम्स हो गया, सी नॉट टाइम्स हो गया, चलिए कभी और बताऊंगा, कुछ याद आ गया से, तो सी एम इज इक्वल टू के सी नॉट हो गया। अब इस पे आपका क्वेश्चन आता है, पहले तो सीधे सीधा आ गया कि जब हम फ्री स्पेस है अगर हम डायलैक्ट्रिक डाल दें तो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाता है, तो इतना, बाकी फिर हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल्स। क्लियर, चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।